पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं. जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. ये गिवन फिगर है जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर एंगल सी पे बन रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारा गिवन क्या है, गिवन है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी. ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के. तो कॉस ए का फॉर्मूला और कॉस बी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. जैसा कि आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए का फॉर्मूला. तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके जो अपोजिट होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और उसके अलावा ये जो ये है वो बेस होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. हम और ये हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी पता है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, तो परपेंडिकुलर उसमें लेना नहीं है, हमें बेस लेना है. बेस क्या है हमारा, ए सी. फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी. इसी तरह कॉस बी का, कॉस बी में हम लोग इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की, इस एंगल के अपोजिट जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये वाली जो लाइन गई है वो हमारा बेस हो जाएगा. तो इस हिसाब से हमें बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी. अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से हमें मिल क्या गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. तो अब हम, हमें एक फॉर्मूला, एक चीज़ पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अब हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है. ए सी के अपोजिट हमारा एंगल बी बन रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू बी सी. बी सी लाइन के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए. तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए. तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. सो हेंस प्रूफ. थैंक यू.